अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। और पेज नंबर 62 एक्सरसाइज 1 असेंडिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का 6, क्वेश्चन नंबर 1 3/7, 2/7, 6/7, 4/7, 1/7। यहाँ पे हमको देखना है कि डिनोमिनेटर सबका सेम है। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम हो तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए हमको देखना है कि ऊपर में जिस फ्रैक्शन का नंबर सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 6 जो है, 1, 2, 3, 4, 6 सबसे बड़ा नंबर है 6 यहाँ पे न्यूमरेटर, जिसको वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे 6/7 सबसे पहले। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा जाता है, तो 6/7 सबसे पहले, उसके बाद 4/7, उससे छोटा है, उससे छोटा है 3/7, उसके बाद है 2/7 और लास्ट में 1/7। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमको देखना है न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर जिसका होगा वो सबसे बड़ा होगा उसका वैल्यू, और उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इससे छोटा है 4/7, उसके बाद है 3/7, फिर 2/7, लास्ट में 1/7। आंसर हो गया, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3/10, 3/7, 3/13, 3/8। यहाँ पे न्यूमरेटर सबका सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिनोमिनेटर सेम है और क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम हो तब भी हमको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तब हमको ये देखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो 3/7 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 3/8 आता है, 7 से बड़ा 8 आता है, 8 से बड़ा 10 है, और सबसे लास्ट में 13 है। तो न्यूमरेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर में देखना है जिसका सबसे कम नंबर होगा डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। सबसे छोटा नंबर 7 है, 3/7, उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 13। और इसमें भी एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस तरह से देखना है कि डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, और अगर डिनोमिनेटर सेम है और तो उसमें देखना है कि ऊपर में सबसे ज़्यादा नंबर जिसका है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, 5/16, 7/8, 11/32, 1/4। यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसके लिए एलसीएम निकालना ज़रूरी है। तो 16/8, 32/4 का एलसीएम निकाला, 2/8 = 16, 2/4 = 8, 2/16 = 32, 2/2 = 4, फिर 2 से 2/4 = 8, 2/2 = 4, 2/8 = 16, 2/1 = 2, 2/2 = 4, 2/1 = 2, 2/4 = 8, 1/1, फिर 2 से 2/1 = 2, 1/1, 2/2 = 4, 1/1, फिर लास्ट में एक 2 बचा हुआ है, 2 लेकर उसको कंप्लीट कर दिया, 1, 2/1 = 1, 1 सब हो गया, 2/1 = 2, 1/1। तो एलसीएम हमारा निकला है 2, 2, 2, 2, 2, 5 × 2। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। एलसीएम हमारा निकला 32। अब इस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन को। पहला फ्रैक्शन है 5/16 मल्टीप्लाई बाई जो मेरा एलसीएम आया उसको लिखेंगे 32। डिनोमिनेटर से उसको काटेंगे, 16/1 = 16, 16/2 = 32 होता है, 32 कट के 2 आया, तो 5/2 = 10। दूसरा फ्रैक्शन है 7/8, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 32 एलसीएम, 8 से 32 को काटते हैं, 8/1 = 8, 8/4 = 32। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 7/4 = 28। अगेन और थर्ड वाला ये है फ्रैक्शन 11/32 मल्टीप्लाई बाई ये 32, 32 को काटा, 1 आया, 32 × 1 = 32, 32 × 1 = 32, 11 × 1 = 11, लास्ट में 1/4 मल्टीप्लाई बाई 32, 4/1 = 4, 4/8 = 32, 8/1 = 8। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा नंबर आया है किसका, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 28, इसको नंबर 1 दे दिया,
28 के बाद सबसे बड़ा नंबर है 11, 2 नंबर दे दिया। उसके बाद 11 के बाद सबसे बड़ा नंबर है 10, 10 सबसे छोटा नंबर है, 3 नंबर दिया इसको। सबसे छोटा नंबर 8, 4 दिया। तो इसको इस तरह से हम सजा कर पहले लिख लेंगे कि सबसे बड़ा नंबर 28 आया, उसके बाद 11, 10, 8। 28 का फ्रैक्शन क्या है? 7/8, 7/8। 11 जो आया है उसका फ्रैक्शन है 11/32, सबसे बड़ा वैल्यू। उसके बाद इसका वैल्यू है, उसके बाद 5/16, लास्ट में 1/4। ये तो ये हो गया हमारा आंसर।